हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन, माई सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MGM मेडिकल कॉलेज जो नवी मुंबई में लोकेटेड है उसके बारे में। इसकी दूसरी ब्रांच भी है जो मैंने पहले ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है औरंगाबाद वाली, आप उसको जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं MGM नवी मुंबई के बारे में, तो आप वीडियो पूरी इंजॉय करना एंड तक, क्योंकि अगर आप जरा सा भी मिस करते हैं तो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस कॉलेज की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये कॉलेज MGM यानी महात्मा गांधी मिशन्स मेडिकल कॉलेज जो नवी मुंबई में लोकेटेड है, एंड ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 1982। देखा जाए तो काफ़ी साल पुराना भी ये कॉलेज हो गया है। देखो बहुत पुराने पुराने ये कॉलेजेस हैं जो आजकल हम रिव्यू कर रहे हैं, तो इन कॉलेज में अगर आप एडमिशन बेफिक्र होकर ले ही सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। अब इनको इतना एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड में और सबसे ज़रूरी यार डीम्ड कॉलेजेस हैं, तो बेटर आपको एक अपॉर्चुनिटी, आपको एक इंडस्ट्री एक्सपोजर वो अलग तरीके से मिलता है। मतलब अगर आप प्राइवेट से इनको कंपेयर करेंगे तो आपकी प्रेफरेंस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ पहले होनी चाहिए। तो ये कॉलेज MGM यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मतलब नवी मुंबई से ही एफिलिएटेड है, एंड ये कॉलेज अप्रूव्ड है NMC के द्वारा प्रॉपरली। एंड अगर मैं बात करूँ इसके हॉस्पिटल के बारे में, तो इस कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो काफी अमेजिंग फैसिलिटीज के साथ आता है। लाइक आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं मेडिकल से रिलेटेड तो देखने को मिलेंगी। यहाँ का पेशेंट फ्लो आप अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास मान सकते, 1000 पेशेंट्स पर डे। यार देखो काफी अच्छा हॉस्पिटल है, एंड इसके जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, वो भी काफी अच्छा है। मतलब बेहतरीन तरीके से आपके साथ बातें करेंगे, समझाएंगे, तो एक इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको अच्छा मिलने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यार अगर फीस ही हमारे बजट में होगी तभी हम इसको अप्रोच करेंगे ना। तो इस कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर है, लास्ट ईयर भी इसका फीस स्ट्रक्चर था 20 लाख पर ईयर, इस साल भी इसका फीस स्ट्रक्चर है 20 लाख पर ईयर, यानी कोई इंक्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिला है। तो 2022 का अगर इसका आप फीस स्ट्रक्चर जानेंगे तो 20 लाख पर ईयर आपको यहाँ पे करने होंगे अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए, MBBS की पढ़ाई के लिए। तो अब ये कॉलेज हो गया है आपके बजट के अकॉर्डिंग। अगर आपका बजट इसमें मतलब ऐसा यस करता है तो आप इसकी डील डन कर सकते हैं कि ठीक है हम जी यहाँ से एडमिशन ले लेंगे, ओके। और अगर आपको एडमिशन में भी कोई तकलीफ हो रही है तो भी यार आप एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि गेट एडमिशन है आप सबके लिए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं इस कॉलेज में टोटल 156 अवेलेबल है आप सभी के लिए। एंड अगर मैं कट ऑफ के बारे में बताऊं तो 395 इस कॉलेज की लास्ट ईयर की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी, एंड 392 यानी 390 प्लस ही इस बार भी इसकी कट ऑफ रहने वाली है 2022 में। तो आप ये चीज अपना अंदाजा लगा के कर सकते हैं कि इसकी इतनी रैंक के अंदर मार्क्स आते हैं। तो आप तो अगर आपके 390 प्लस आपने स्कोर कर रखा है तो आप इस कॉलेज को जरूर अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके थोड़े बहुत मार्क्स कम भी है तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। एंड स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके भी अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि आपका एडमिशन हम अच्छे से करा दें। और आपका कोई भी डाउट है मतलब एडमिशन से रिलेटेड, आपका मतलब फीस से रिलेटेड, सारे जो भी आपके सवाल हैं वो जवाब आपको जरूर मिलेंगे गेट एडमिशन पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस कॉलेज के, अगर मैं आपको कैंपस एंड यहाँ की फैकल्टी फैसिलिटीज के बारे में बताऊं तो फैसिलिटीज तो देखो जेन्युइन है। आपको यहाँ पे लाइब्रेरी, कैंटीन, कैफेटेरिया, 24 आवर हेल्पलाइन, ब्लड बैंक, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ICU सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, OPD, इंडोर सर्विसेज, तो ये ढेर सारी मतलब आपको फैसिलिटीज यहाँ पे मिलने वाली हैं। एंड स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज सबसे जरूरी, क्योंकि स्पोर्ट्स नहीं है तो क्या ही है लाइफ में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स के भी तो दीवाने होंगे। तो इस कॉलेज में भाई स्पोर्ट्स भी अच्छे से अवेलेबल है, आप आ सकते हैं आराम से, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, ठीक है। तो ये इसकी कुछ फैसिलिटीज हैं। हॉस्टल का भी यहाँ पे काफी अच्छा बोलबाला है, मतलब ठीक ठाक इसके हॉस्टल्स हैं, अच्छा खासी आपको वाइब आने वाली है पढ़ने लिखने में। घूम फिर भी सकते हो आप आसपास, बट आपको एज आउटिंग टाइम इसका है तो वो रात को मतलब 8 बजे से पहले शायद आपको ऐसा मतलब अंदर आ जाना है। तो ये इसका कुछ ऐसा आउटिंग टाइम है, बाकी तो यार आप जब कॉलेज जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें ये तो पता चल ही जाती हैं। एंड इस कॉलेज का और इसके अलावा बाकी कोई खर्चा है नहीं। अगर आप जैसे लॉन्ड्री वॉन्ड्री में करते हो, अपना खाने पीने पे करते हो, देखो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वो आपका लाइफस्टाइल हो गया, बट ऐसा कॉलेज आपसे इसके अलावा और कुछ पैसा नहीं लेता। अब आपसे मुलाकात करें अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो गेट एडमिशन का कॉल करना बिल्कुल ना भूलें।